हेलो एवरी वन एंड वेलकम टू माई चैनल इजी इंग्लिश लिटरेचर आज हम बात करेंगे ब्रॉन्टी सिस्टर्स की ये बिलोंग करती थी विक्टोरियन पीरियड से फर्स्ट है शॉलट ब्रॉन्टी ये सबसे बड़ी हैं और इनका सीडो नेम है क्यूरल बेल सेकेंड इज एमिली ब्रॉन्टी एंड द सियोडो नेम इज़ एलिस बेल एंड थर्ड इज एनी ब्रांटी एंड द्यूडो नेम इज एक्टन बेल सीडो नेम मीन्स इन नामों से ये लिखा करती थी इन तीनों बहनों का सिर्फ एक ही भाई है या था बानविल ओके okay. बानविल वॉज दी ओनली ब्रदर बानविल और शार्लोट ब्राउन्टी ने साथ में मिलकर लिखी लिखीं स्टोरीज़ बायरॉनिक स्टोरीज़ स्टोरीज जो हैं एक इमेजिन कंट्री है एंग्रिया ये कंट्री इन्हीं दोनों भाई बहनों ने इमेजिन करी है और उसके बारे में लिखा है एंड एमिली ब्रॉन्टी और एनी ब्रॉन्टी ने कोलाबोरेट होकर लिखा आर्टिकल्स एंड पोएम्स अबाउट गोंडल तो ये आपको ध्यान रखना है सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है शार्लोट ब्रांटी और उनकी हम बात करते हैं फर्स्ट वर्क इज द ग्रीन डॉफ ये एक नॉवल है थर्ड सेकेंड इज़ द प्रोफेसर ये इनका फर्स्ट मैन्यू स्क्रिप्ट है थर्ड इज शर्ले यहाँ पे इंडस्ट्रियल अनरेस्ट की थीम दिखाई गई है और विमेन का जो रोल है सोसाइटी में उसको डिस्कस किया गया है फोर्थ इज़ विलेट जिसकी थीम है आइसोलेशन एंड फिफ्थ इज रेन आय ये सबसे इम्पॉर्टेंट वर्क है शालोट ब्रॉन्टी का जिसे जिसे डिटेल स्टडी आपको करना है जेन आय एक ऑटोबायोग्राफी है और एक बिल्सकन रोमन नॉवल है दैट मीन्स यहाँ पे उनका जो चाइल्डहुड से जो फेजेस आते हैं डिफरेंट फेजेस जो डेवलपमेंट है वो इस नावल में दिखाया गया है जो मेन कैरेक्टर है नॉवल का वो है जेन आयर ये एक ऑर्फन गर्ल है जिसे मिसेस रीड ने रेस किया है ओके okay, ये वन लाइनर है इस नावल का अब इस नॉवल को आपको डिटेल स्टडी करना है नेट एंड सेट के पॉइंट ऑफ व्यू से कॉन्स्टेंटाइन हीगर इन इनको शॉलट ब्रॉन्टी ने कई सारे लेटर्स लिखे जिन्हें बाद में प्रिंट किया द टाइम ने और शॉलट ब्रांटी की जो बायोग्राफी है यानी इनकी जो लाइफ स्टोरी है वो लिखी एलिजाबेथ गैस्कल ने तो द लाइफ ऑफ शार्लोट ब्राउंटी बाय एलिजाबेथ एलिजाबेथ गैस्कल सो दिस वाज ऑल अबाउट शार्लोट ब्राउंटी द सेकंड सिस्टर इज एमिली ब्राउंटी और इनका एक ही इंपॉर्टेंट वर्क है वूदरिंग हाइट्स ओके इसका जो थीम है वो रिवेंज है और ये एक गौथिक नॉवल है ओके शार्लोट ब्राउंटी का जो रेन आया था वो एक बिल्ग्स रोमन नावल था और वुदरिंग हाइट्स जो है वो एक गॉथिक नावल है वॉल्टर स्कॉट का एक वर्क है द ब्राइड ऑफ लेमोअ ओके उससे उसके प्लॉट से इंस्पायर्ड ही ये प्लॉट है ओके okay. जब हम कैरेक्टर की बात करते हैं तो एक कैरेक्टर है एडगर जो द ब्राइड ऑफ लेमोअ में भी है और वुदरिंग हाइट्स में भी है मतलब ये कॉमन कैरेक्टर है दोनों ही नावल में एंड सेकेंड कैरेक्टर इज हित्लिफ जो कि एक हीरो है बायरॉनिक हीरो मीन्स लॉर्ड बायरन के कैरेटरिस्टिक्स को शो करता है डीजी ने वुदरिंग हाइट्स के बारे में कहा अ फ्रेंड ऑफ अ बुक एन इनक्रेडिबल मॉन्स्टर द एक्शन इज लेड इन हेल ओनली इट सीम्स पीपल हैव इंग्लिश नेम्स देर यह आपको ध्यान रखना है जो डीजी रोसेटी ने बोला वुदरिंग हाइट्स के बारे में जूलियट गार्डनियर ने कहा द विविड सेक्शुअल पैशन लैंग्वेज एंड इमेजरी अपीयर्ड अपील्ड रिव्यूअर्स मतलब इस नॉवल की ये ये चीज़ों ने रिव्यूअर्स को अपील किया ओके okay. और एक लिरिक है या एक लाइन हम कह सकते हैं द लाइट इज़ डार्क द लाइट इज डार्कनिंग राउंड मी द लाइट इज डार्कनिंग राउंड मी इस लाइन के लिए हम एमिली ब्रांटिक को याद रखते हैं तो जब हम एमिली ब्रॉन्टिक की बात करते हैं तो एक ही इम्पॉर्टेंट वर्क है उनका वुदरिंग हाइट्स नेक्स्ट इज द थर्ड एंड द ंगेस्ट सिस्टर एनी ब्रॉन्टी एनी ब्रॉन्टी का वर्क है द टेनेंट ऑफ वाइल्ड फेल हॉल एंड सेकेंड इज एग्नेस ग्रे एग्नेस ग्रे का एक कोट हमें ध्यान रखना है एंड नाउ आई थिंक आई हैव सेट सफिशियंट तो कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि ये जो कोट है एंड नाउ आई थिंक आई हैव सेट सफिशियंट ये कहाँ से लिया गया है कौन से नॉवल का है तो ये है एग्नेस ग्रे से तो एनी ब्रॉन्टी के भी वर्क्स कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं है शॉर्ट में बात करें तो थ्री सिस्टर्स विक्टोरियन एज की शॉलट ब्रॉन्टी एमिली ब्रॉन्टी एंड एनी ब्रॉन्टी एक ही भाई है उनका बानवेल बानवेल और शॉलट के साथ लिखा गया बायरॉनिक स्टोरीज एमिली और एनी ने एक साथ लिखा आर्टिकल्स एंड पोएम्स अबाउट गोंडल शॉलट ब्रॉन्टी का एक इम्पॉर्टेंट वर्क है जेन आयर जो एलि ब्रॉन्टी वुदरिंग हाइज इम्पॉर्टेंट वर्क है एंड एनी ब्रॉन्टी का द टेनेंट ऑफ वाइल्ड फेल हॉल एंड एग्नेस ग्रे इनमें से सिर्फ जेन आयर जो कि एक ऑटोबायोग्राफी है उसकी आपको डिटेल स्टडी करनी है That's it for today's video. We'll meet soon in our next video. Till then, all the best and keep learning.